गाइस ट्राइपॉड का यूजली पर्पस होता है आपके कैमरा को स्टेबिलिटी के साथ होल्ड करना और जब आप सिनेमैटिक मूवमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें स्मूथनेस लाना। लेकिन आज जो ट्राइपॉड मेरे पास है इसके अंदर ये सब चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा इसमें कहीं ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपके बहुत काम आ सकते हैं जब आप वीडियोग्राफी करते हैं या फिर फोटोग्राफी करते हैं। तो आज हमारे पास है डिजिटेक का DTR520BH और आज की वीडियो में ये ट्राइपॉड हमें भेजा है डिजिटेक ब्रांड ने ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। तो देखते हैं ट्राइपॉड जो है किस तरह का है और किस तरह के इसके फीचर्स जो है ओवरऑल परफॉर्म करते हैं अगर आप फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन का आपको आइडिया दे देता हूं। तो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है 7 kg ट्राइपॉड की, मैक्सिमम हाइट है 5 feet की और मिनिमम ऑपरेटिंग हाइट है 320 mm की। ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ट्राइपॉड को लेते वक्त। बाकी गाइस इसका वेट है 1.44 kg यानी कि 2 kg से थोड़ा सा कम है, तो आप कहीं पे भी लेके जाएंगे तो इजी टू ट्रैवल है। अब मैं गाइस आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक कैरिंग केस ताकि आप इस तरह से इसको हैंग करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं ले जाना। और इस तरह से गाइस जब आप इसके बैग को ओपन करेंगे और बैग को ओपन करने के बाद सबसे पहले निकलता है ट्राइपॉड जो कि है कुछ इस तरह से पैक, और इसमें से निकलता है एक और हैंडल जो कि है कुछ इस तरह का। ये हैंडल मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाऊंगा, बाकी हमें बैग में और कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब करते हैं इसको अनरैप। मैं आपको अनरैप करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी पैकेजिंग है। तो अभी ये ट्राइपॉड जो है उल्टा पैक कर रखा है, इस तरह से हमें इसको सीधा करना पड़ता है और इस तरह से गाइस हम इसको सीधा कर सकते हैं और ओवरऑल जो है ये इस तरह से दिखता है जब आप इसको सीधा कर देंगे। और यहाँ पे इसकी जो है एक प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है, पाउच लगा हुआ है, इसको आप इस तरह से रिमूव करके इसके बॉल हेड को रिवील कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कंप्लीट ओवरऑल लुक है, इस तरह से जो है हम इसको खोल सकते हैं और यहाँ से इसको स्क्रू लूज करके हम यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। तो ये है इसका मेन गेस्चर, मेन लुक। अब गाइज हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट इसकी पैकेजिंग इस तरह की है, आइए अब इसको यूज़ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा इस ट्राइपॉड का ये है कि आपको इस ट्राइपॉड में मिलता है बॉल हेड। बॉल हेड का फायदा है कि आप फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, हर तरह की सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नोब यहाँ से लूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं कैमरा अपना माउंट करूँगा मैं इजीली इसको जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, चाहे बात हो हॉरिजॉन्टल शूटिंग की चाहे बात हो वर्टिकल कंटेंट की, दोनों कंटेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से गाइस मैं वर्टिकल शूट भी कर सकता हूँ, इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ। और स्मूथ शॉट्स के लिए यहाँ पे एक और नॉब है, इस तरह से मैं इसको मूव करके सिनेमैटिक शॉट्स या पैन शॉट्स भी ले सकता हूँ जो मैं आपको लेके भी दिखाऊंगा। लेकिन गाइस इसके अंदर जो फर्स्ट चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी वो है बॉल हेड। आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ बॉल हेड देखने को मिलता है जो वर्सेटाइल है, चाहे आपके पास NX100 हो या फिर DSLR हो, मिररलेस कैमरा हो, कोई भी तरीके का कैमरा हो, मोबाइल ही क्यों ना, मोबाइल होल्डर अलग से खरीद के आप इस पर अटैच करके लगा सकते हैं। तो इसकी कंपैटिबिलिटी वर्सेटाइल है अगर आप किसी भी कैमरा के साथ इसको यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो इस ट्राइपॉड की बेस्ट है वो है इसका लॉकिंग मैकेनिज्म और इसका डिटैचेबल मोनोपॉड, यानी कि इसके अंदर आपको रिंग लॉक देखने को मिलता है। इस तरह से जब आप रिंग को लूज़ करेंगे इस तरह से इसकी लेग्स को एक्सटेंड कर सकते हैं और वापस से बंद कर सकते हैं। तो ये जो है नए तरीके का मतलब लॉकिंग मैकेनिज्म है कॉमन ट्राइपॉड के कंपैरिजन में। इसके अलावा गाइज आप इसको अगर मोनोपॉड बनाना चाहे तो यहाँ पे एक लेग है जिस पे लिखा हुआ है कि डिटैचेबल मोनोपॉड, अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है निशानी होती है कि ये वाली लेग आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज जैसे ही आप इसको घुमाएंगे ये लेग जो है बाहर आ जाएगी और इस तरह से आप इसको अब यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल माउंट दे रखा है, एज यू कैन सी इस माउंट पे आप कोई भी जो है हेड लगा सकते हैं, वीडियो हेड, बॉल हेड लगा के आप इसको मोनोपॉड की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा गाइज इसकी जो है लेग्स को सारी को खोल सकता हूँ और इस तरह से गाइज मैं इसको मोनोपॉड की तरह जो है यूज़ कर सकता हूँ। अब ये मेरा मोनोपॉड की तरह तैयार हो गया और मैं इस ट्राइपॉड को अलग से सेपरेटली कर सकता हूँ। तो ये फीचर वेडिंग वीडियोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर के बहुत काम आ सकती है। अगर आप वेडिंग शूट्स करते हैं तो कंपैटिबिलिटी दोनों के साथ बढ़ जाती है, ट्राइपॉड बनाना है ट्राइपॉड बना सकते हैं, अदरवाइज आप मोनोपॉड की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं इसका बॉल हेड इस पे अटैच करके। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट बेनिफिट, वैसे तो ये ट्राइपॉड जो नॉर्मल्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, मतलब इतनी ही हाइट होती है, लेकिन इसके अंदर एडिशनल हमें हाइट मिलती है। आप और भी टॉप एंगल से शॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और भी हाइट से आपको शॉट लेना आप ले सकते हैं। लेट्स से अगर मेरे को इसकी हाइट और बढ़ानी है तो यहाँ पे सिंपली मेरे को जो इसका रिंग लॉक है इसको जो है ओपन करना है और इस तरह से मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई पहली हाइट। इसके अलावा अगर मेरे को और भी हाइट एनहेंस करनी है, और भी बढ़ानी है, तो मैं इस तरह से एक और नॉब को लूज़ करके यहाँ से एक और हाइट जो है एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है इस तरह से हम और भी बड़ी हाइट कर सकते हैं। और जो लोग फूड फोटोग्राफी करते हैं या फिर अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं, टेक वीडियोस बनाते हैं, ओवर द टॉप शॉट लेते हैं, मान लीजिए मेरे को टेबल के ऊपर से शॉट लेना है, तो गाइज मैं इस तरह से इसको लूज़ करके
इस तरह से शॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे मेरा कैमरा लग जाएगा और कैमरे का फेस नीचे की तरफ करके मैं यहाँ पे जो भी काम कर रहा हूँ वो इजीली दिखा सकता हूँ। हाइट भी आ गई और इसके बाद हम ओवर द टॉप शॉट भी ले सकते हैं। तो ये गाइज आप हाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओवर द टॉप जो है शॉट लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि टॉप एंगल शॉट जो है इस तरह से लिए जाते हैं जब भी हम कोई भी फूड फोटोग्राफी करते हैं या फिर अनबॉक्सिंग वीडियोस शूट करते हैं। अब प्रैक्टिकली आप ओवर द टेबल शॉट कैसे ले सकते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। तो एज यू कैन सी यहां पे दो बॉल हेड है, एक नीचे है एक ऊपर है। सबसे पहले नीचे वाले बॉल हेड को लूज करना है ताकि हम जो है इसको एक्सपेंड कर सके। तो यहाँ से हमने इसकी नॉब को जो है लूज करना है और इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद में आप इस तरह से इसको यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, क्योंकि ये जो बॉल हेड है ये कहीं पे भी मूव हो सकता है। और यहाँ पे लाके मैं इसको इस तरह से लॉक कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसकी वीडियो बना सकूँ। अब एज यू कैन सी जो मेरा कैमरा है वो डाउन फेसिंग है, ये मेरा प्रोडक्ट है डिजिटेक का माइक्रोफोन। अब मैं जो भी अनबॉक्सिंग करूंगा यहाँ पे इजिली वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली जो है स्ट्रेट नीचे देख रहा है ये कैमरा। तो इस तरह से आप जो है इससे ओवर द टॉप जो है ओवर द टेबल शॉट्स ले सकते हैं, इस तरह से आप फूड फोटोग्राफी कर सकते हैं। और अगर आपको चेंज करना है कोई भी डायरेक्शन, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मोड में, तो इस तरह से आप वर्टिकल शूट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप गाइस, ये वर्टिकल शूटिंग भी हो जाती है और इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो हर डायरेक्शन में इसका बॉल हेड मूव करता है, जो ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की। अब नेक्स्ट बेनिफिट जो इस ट्राइपॉड का है वो आपको बाकी अदर जो कॉमन ट्राइपॉड्स होते हैं उसमें नहीं देखने को मिलेगा। लेट्स से मेरे को इसकी मिनिमम हाइट खोलनी है, तो अदर ट्राइपॉड्स में जो मिनिमम हाइट होती है वो होती है इतनी, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये है मिनिमम हाइट जो कॉमन ट्राइपॉड्स होते हैं उनकी। लेकिन मान लीजिए मेरे को और भी इसको लोअर एंगल पे लेके जाना, मैं बहुत ही लो एंगल से फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, वीडियोग्राफी करना चाहता हूँ, तो मैं जो है इसकी इस तरह से लॉकिंग मैकेनिज्म को और भी ओपन करके इस तरह से बिल्कुल एक्सट्रीम लो एंगल पर लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है इसके सारे लॉक जो है खोल दिए हैं और भी मैं मिनिमम जो है डिस्टेंस पर इसको लेके जाता हूँ। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पूरा ओपन कर चुका हूँ और अब यहाँ से मेरे को इसको ओपन करना है और इस लॉक को ओपन करके मैं इतने मिनिमम डिस्टेंस पर इसको यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसका हाइट जो है यहाँ करना चाहूँ, यहाँ करना चाहूँ, वो ऑल अप टू अस है कि हम कैसे इसको यूज़ करते हैं। हम जो है इसको मल्टीपल वेराइटी ऑफ एंगल से जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे हाथ में कि हाइट इसकी कितनी रखनी है, लेकिन जो इसका मिनिमम डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। एज़ यू कैन सी बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ ट्राइपॉड है ये, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। अब इसी लोअर हाइट पे अगर मैं इसको और भी एक्सपेंड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है, यहाँ से इसकी नॉब को जो ओपन करना है और इस तरह से मैं इसको ओपन करके और भी ज़्यादा जो है लोअर एंगल पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को अगर इस एंगल पे यहाँ पे कैमरा लगाना तो मैं इजिली माउंट कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल पर जो है शूट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो ओवरऑल सेटअप है लो एंगल पर बहुत अच्छा जो है ये ट्राइपॉड परफॉर्म करता है। और इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीम लो एंगल शॉट्स लेना चाहते हैं तो गाइज आप इसको रिवर्स पोजीशन में माउंट करके ले सकते हैं। आपने सिंपली यहाँ से इसको जो स्क्रू है इसको लूज करना है, यहाँ से लूज करके आप जो है इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो ये हमने गाइज इसका स्क्रू जो है रिमूव कर लिया है, अब हम इसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे अब हमने ऊपर वाला जो ये स्क्रू है जहाँ से ये टाइट होता है इसको भी लूज करना है ताकि हम जो पूरी ग्रिप है ये बाहर निकाल सके। और इस तरह से आप इसको पूरा लूज करके अब बाहर निकाल सकते हैं। एज यू कैन सी अब ये दोनों अलग हो गए, अब मैं इसको गाइज रिवर्स पोजीशन में माउंट कर सकता हूँ। और उसके बाद गाइज आपने इसको माउंट करना है रिवर्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको डाल सकते हैं और यहाँ से जिस भी एंगल पर आप रखना चाहें वहाँ पे रख के इसके स्क्रू को टाइट कर दें ताकि जो है ये वहाँ पे लॉक हो जाए। अब एज यू कैन सी अगर मैं किसी भी सरफेस पर इसको रखता हूँ तो कितने लो एंगल से मैं शूट कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को और ऊपर करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात मेरे पास यहाँ बॉल हेड है तो मैं इजीली इसको जो है बैलेंस कर सकता हूँ। अनइवन सरफेस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एज यू कैन सी मैं आराम से कैमरे को बैलेंस कर सकता हूँ। और वापस से इस जो है स्क्रू को यहाँ लगा देते हैं ताकि जो है ये हमारा गुम ना हो और इसका भी यूसेज बना रहे। तो ये पूरा टाइट करके हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो लो एंगल आप इस तरह से शॉट ले सकते हैं और ऊपर नीचे करना तो यहाँ से लूज करके अप एंड डाउन इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट गाइज हमने रिमूव किया है ना ट्राइपॉड में से, इसकी एक और खास बात है कि इसको आप मोनोपोड के साथ भी अटैच कर सकते हैं। आपको अलग से कोई भी बॉल हेड परचेज करने की नीड नहीं है, इसी ट्राइपॉड में सारा काम आपका हो जाएगा। तो गाइज आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था हैंडल, इसको अटैच करना या फिर आप डायरेक्टली स्क्रू भी लगा सकते हैं। मैं डायरेक्टली स्क्रू लगा रहा हूँ, वैसे इस हैंडल में दोनों तरफ स्क्रू माउंट दे रखा है आगे और पीछे की तरफ, तो आप ये भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट स्क्रू लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट स्क्रू लगा रहा हूँ। तो ये जो है मैंने मोनोपोड की लेग मैंने दिखाई थी कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव करनी है। और इसके बाद गाइज स्क्रू का हाफ पोर्शन यहाँ पे लगाना है और स्क्रू का हाफ पोर्शन इस तरफ लगाना है और बीच में गाइज इन्होंने नट दे रखा है, वो नट जो है आपने लगाना है। एज यू कैन सी यहाँ पे नट लगा हुआ है,
और इस तरह से गाइज हमने इसको अटैच करना है। तो ये गाइज हमने अटैच करके प्रॉपर टाइट कर लिया है। अब मैं इसको मोनोपोड की तरह यूज़ कर सकता हूँ और इसकी पूरी लेग को एक्सटेंड करके कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ ऑन टू गो। मेरे को कोई भी अलग से हेड परचेज करने की नीड नहीं है, मेरा मोनोपोड जो है पूरा तैयार हो चुका है, जो ब्यूटी है इस प्रोडक्ट की। और इसकी एक खास बात ये भी कि अगर आप टॉप एंगल शॉट लेना चाहते हैं इस तरह से, या कोई भी आप ड्रोन शॉट लेना चाहते हैं, फेक ड्रोन शॉट लेना चाहते हैं, क्रिएटिव शॉट लेना चाहते हैं, तो गाइज सभी जो है इस तरह के बहुत ही बड़े पोल, बहुत ही बड़े मोनोपोड से ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल मोनोपोड से भी बड़ी हाइट हो जाती है इसकी ये एक्सटेंशन लगाने के साथ। ऑलराइट, अब करते हैं इस ट्राइपॉड को प्रैक्टिकली टेस्ट। तो ये है इसकी बेस प्लेट और एज यू कैन सी इसके नीचे जो है स्क्रू दे रखा है और इस तरह से हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं आपको अटैच करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है और यहाँ पे अटैच करने के बाद स्क्रू टाइट करना है। मेक श्योर आप जो अच्छे से टाइट कर ले ताकि जो है कोई भी लूज ना रह जाए इसका स्क्रू। और यहाँ पे हम इसको अब इस तरह से अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस प्लेट है, यहाँ पे अटैच करनी है और यहाँ से स्क्रू टाइट करना है ताकि हम इसको ईजिली कैसे भी करके यूज़ कर सकें। अब गाइज यहाँ से ऑन करके हम अपने कैमरा को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपने लेंस को जूम इन कर लेता हूँ। तो अब कैमरा गाइज मेरा अटैच हो चुका है। अब मैं ईजिली इस तरह से सिनेमेटिक शॉट बहुत ही स्मूथ मूवमेंट के साथ ले सकता हूँ। और जैसे ही मेरे को लगता है कि मेरे को और शॉट्स नहीं लेने मूवमेंट वाले, मैं इस नॉब को टाइट करके इसको बिल्कुल लॉक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो ये पैन शॉट गाइज मैंने लिया है इस ट्राइपॉड के साथ में। और गाइज जो स्मूथनेस है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप कितनी स्मूथली जो है ट्राइपॉड को हैंडल करते हैं। जितने आप एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी ही स्मूथली हैंडल करेंगे, लेकिन ये ट्राइपॉड काफ़ी अच्छी स्मूथनेस ऑफर करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्राइस, तो ये जो है ट्राइपॉड हमें मिलता है सिर्फ 6,000 रुपये में और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। अब ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको जो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, क्योंकि जो बिल्ट इन क्वालिटी है, ओवरऑल जो इसकी ट्राइपॉड की क्वालिटी है हर चीज़ की, चाहे बात हो रबड़ फिनिश की या फिर मेटल की, एल्यूमिनियम की क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी है। और जो ओवरऑल इसके जो फीचर्स हैं वो प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस तरह के जो ट्राइपॉड्स होते हैं वो यूजली महंगे आते हैं, लेकिन डिजिटेक का ये ट्राइपॉड हमें सिर्फ 6,000 में मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज अगर मैं बात करूँ अटेंशन टू डिटेल की, तो इसके नीचे आपको यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है। ये जो हुक है बहुत काम का है। मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है और यहाँ पे जो है आप कोई भी हैवी जो है बैग अटैच करते हैं, तो ये ट्राइपॉड और भी जो है स्टेबिलिटी के साथ स्टैंड करेगा। तो ये जो है अटेंशन टू डिटेल इस ट्राइपॉड में दी गई है ताकि आप हर तरह की सिचुएशन में इस ट्राइपॉड के साथ काम कर सके। तो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ आइडिया हुआ होगा कि डिजिटेक का ये ट्राइपॉड किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी गाइज कोई भी माइंड में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।